आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। इसी पानी में ऐड कर दूंगी मैं नमक और थोड़ा सा तेल। अब इसमें मैं एक बॉयल आने तक इसे गर्म होने दूंगी। दूसरी साइड मैं यहाँ सब्जी कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गाजर लिया है। गाजर को मैं पतली और लंबी स्लाइसिस में कट कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं प्याज को भी पतली स्लाइसिस में कट कर लूँगी और हाथों से सारे रिंग्स को अलग कर दूंगी। अब मैंने लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैं पतली और लंबी स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। आप सब्जियों को अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। पानी में एक उबाल आ चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैं नूडल्स और इसे एक उबाल आने तक पका लूंगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ पत्ता गोभी। इसे भी मैं पतली स्लाइसिस में कट कर लूंगी, ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ लिया है लहसुन। इसे भी मैं पतली और छोटी स्लाइसिस में कट कर लूंगी। लहसुन आप चाहे तो डालें और चाहे तो ना डालें। हरी मिर्च। नूडल्स में एक उबाल आ चुका था तो उसका मैंने पानी अलग कर दिया था। इसी में डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून विनेगर। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं सारी सब्जियों को डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने हीट को मीडियम रखा है। इसी में डाल दूंगी मैं हल्का सा सॉल्ट। सारी सब्जियों को मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगी। इसी में डाल दूंगी मैं कैबेज और इसे बहुत ही हल्का पका लूंगी। अजीनोमोटो, काली मिर्च पाउडर, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसे पका लूंगी। यहाँ पर मैंने हीट को मीडियम रखा था और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे नूडल्स बनकर रेडी हैं।